गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यान, कहाँ जा रहे हो आप? शिमला। शिमला, तो आज हम चल पड़े हैं, मैं जा रही हूँ मायके, ठियोग जा रही हूँ। तो रखी है बुधवार को ना, तो इसलिए जा रही हूँ। तो चलते हैं, हमारी बस आ गई है पार से ना, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि यहाँ से ना सामने पता चल जाता है कि बस आ गई है। जाएगी तो ये बस अभी गुम्मा जाएगी ना, फिर उसके बाद आती है, तो टाइम लग जाता है। नौटिखट से आगे को गुम्मा की तरफ जाती है, फिर वापस आती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि बस कहाँ आई है। ये देखिए पार से ना बस आ गई है, आई थिंक आगे को निकल गई है, यहाँ से अब नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस रोड से होते हुए आती है बस। ये देखिए वहाँ पहुँचना है हमारे को, वहाँ चलो बस करो। मेरे को तो हम लोग चले गए हैं, अब तो हम पहुंच गए नीचे। देखिए यहाँ पर शेड पहुंचने वाले हैं अब। ये देखिए यान और यान के पापा, यान कंधे पे बैठा हुआ है। वहाँ से आएगी सामने से बस। यान और यान के पापा आगे चले गए, लोग नीचे को पहुंच रहे हैं। यहाँ बोलते हैं गाइस वहाँ के यार। ये देखिए यान पर लगा हुआ है शेड के अंदर ना, इसमें क्योंकि आवाज़ गूंजती है ना, तो यान लगा हुआ है कुछ बोलने। हम लोग पहुंच गए शेड के पास ना, सुन क्या बहुत गर्मी है, मतलब स्वेटिंग हो गया है, बता रहे सीने से बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ देखो क्या चली गई बस। कौन गई? वो सब ऊपर गई। कहाँ तो? मैं बस में हूँ। कहाँ पहुँचे? यहाँ बोलता मैं दुकान में। क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्या बोलते हैं यहाँ पे? दुकान बसंतपुर। बसंतपुर पहुँचे? हाँ। तो यहाँ पे ना गाइस हम लोग पहुँच गए थे बसंतपुर। ये देखिए ये है बसंतपुर में, तो हम सवेराघाट बस में आए हैं। तो ये देखिए ये पूरा बसंतपुर, यहाँ पे काफ़ी लेट चलती है, यहाँ से 10:40 पे चलती है यहाँ से बस ना। और ये ना यहाँ पे रास्ते में आई थिंक देवीधार से पीछे हुआ था, ये यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हुआ हुआ है, पेड़ गिरे हुए है, तो यहाँ से यहाँ पे जेसीबी लगी हुई थी तो वो निकाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है, बस लगी हुई थी, जाम लगा हुआ था। तो ये देखिए साफ हो रहा है यहाँ पे। आजकल ना जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुए हुए है गाइस, कहीं भी जाओ आप, कहीं भी ट्रैवल करो तो हर जगह आपको यही मिलेगा, मतलब बाय रोड ना, रोड में हर जगह लैंडस्लाइड है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हर जगह पे ऐसा है। तो यहाँ पे ना गाइज हम लोग पहुँच गए थे ठियोग, मैंने नहीं बनाया है बीच में। हम लोग जब ढली पहुँचे तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, फिर हम लोग ठियोग चले गए थे। ये है ठियोग की मार्केट, जो आजकल अगस्त के महीने 15 अगस्त के बाद लगती है। ये यहाँ पे पोटैटो ग्राउंड है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ चले हुए हैं, मेन मतलब जो नीचे से रोड, मेन रोड से ऊपर की तरफ चले हुए हैं। और अच्छा सामान है, ऐसा नहीं है, मतलब कि रिजनेबल रेट है और क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा ये ख़रीदा तो नहीं है ना ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं, तो हम लोग बस देखते देखते गए कि ज़रा क्या है, नई चीज़ें क्या आई हुई है मार्केट में। तो ये देखिए आप लोग,
और ये मेरा कज़न है, शिवांश भी है साथ में। और हम लोग पहले ये ठियोग में रूम चले गए थे नीचे ना, तो हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि यान भी ऐसे हो गया था बस में, मतलब बहुत तबीयत जैसे हो गई थी ख़राब। तो उसके बाद फिर हम लोग रूम से साथ में यहीं पे रूम ना, चाचू का रूम है मेरे, तो हम लोग आए थे। तो ये चाचू का बेटा है साथ में, यान को पकड़ के चला हुआ है। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा, सामान घूमे। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे ना, पोटैटो ग्राउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी लगी हुई है शॉप्स, आप लोग भी देखिए। तो यहाँ पे हम चल पड़े हैं घर की तरफ ठियोग से। तो भाई थोड़ा लेट आया पहुँचा, तो हम लोग भाई के साथ ही गए हैं गाड़ी में। मेरा कज़न है, हस्बैंड है, यान है और मैं हूँ। हम लोग यहाँ से निकल गए थे ठियोग से। ये है राखियाँ ली थी। एनीवे हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, है ना। तो यहाँ पे ये मेरी राखियाँ हैं, मेरे 15 भाई हैं, तो मैं सबको राखियाँ बांधती हूँ, मेरे कज़न, मेरे रियल सब। तो यहाँ पे ना मैं अपने कज़न को राखी बांधने गई हुई थी। तो चाची, बड़े वाले चाची, उनका बगीचा ही है। यहाँ से होते हुए गए थे हम ना, उनके बगीचे से होते हुए। तो ये देखिए रेड रेड बिल्कुल एकदम से। तो ये तुड़ान पर है अब, मतलब कि नेक्स्ट डे ना तोड़ने थे ये सेब ना, क्योंकि बाकी सब ने तोड़ दिए, तो ये रहे हुए थे तोड़ने को, तो ये तोड़ने हैं। तो ये देखिए किस तरह से है, ये बगीचा काफ़ी बड़ा है। बड़ा क्या, मतलब बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। ये देखिए सेब हुआ, मतलब कि ना दिल खुश हो जाता है सिन एप्पल्स को देख के। यहाँ पे ये देखिए पूरा बगीचा है, घास भी हुआ हुआ है यहाँ स्प्रे के लिए। और यहाँ ये तोड़ दिए, मतलब कुछ एक ना चाची चले हुए आगे घास लेके, तो यहाँ पे ये तोड़ दिए, मतलब पेड़ खाली हो गए। इस बार ना पत्तियाँ बहुत जल्दी, मतलब अपने आप झड़ गई इस बार पत्तियाँ, पता नहीं क्या हो गया है पेड़ों में, बारिश की वजह से हुआ है शायद ना, सारी पत्तियाँ झड़ गई है। तो यहाँ पे मैं चाची के साथ बात कर रही थी, साथ में वीडियो भी बना रही थी। तो हम लोग चले हुए हैं, थोड़ी चढ़ाई लगती है। तो ये देखिए सेब, और ये है खाली पेड़, मतलब जिनसे तुड़ान हो चुका और पत्तियाँ झड़ चुकी है सारी पत्तियाँ। तो यहाँ पे ना मैं पहुँच गई हूँ घर, और जो दो सेब मैंने आपको दिखाया ना, मैंने वो काट दिए थे। या ना धावा बोल देता है, मतलब उसको पूरी प्लेट चाहिए होती है। तो यहाँ पे ना मैं बोल रही थी कि सबको दे दे खाने के लिए, बट ये नहीं सुनता है। और अकेले, मतलब सेब के लिए तो ऐसा है ना कि भाई मैंने सब अकेले ही खाने हैं, नहीं दे रहा था बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए स्पीड देखिए, बंदा फटाफट खाता है एकदम से, और किसी को नहीं देने होते हैं। ये दादी है ऐसा, मेरे भाई बैठा हुआ है यहाँ पे। और ये ना यहाँ पे भाई ने, ये तो जो बचे हुए थे से, मतलब ये समझ लीजिए आप अपने खाने के लिए वो थे। और जो तो यहाँ पे ना मैं चल पड़ी हूँ, और मेरे कज़न चाचू है साथ में ही, बड़े वाले चाचू के घर के साथ ही आगे, तो वहाँ जा रही थी राखियाँ देने। और ये है वो लेंटर गाइस, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, मतलब मेरे भाई ने, पापा ने उस टाइम डाला है जब बरसात, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। ये है वहाँ का व्यू। तो मैं चल पड़ी हूँ फिर यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे का व्यू, सुबह का, मॉर्निंग का। ये देखिए ऊपर को मेन रोड है NH, ये घर के आगे यहाँ अखरोट का पेड़ लगा हुआ है। और यहाँ पे ना ये चीज़ जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ना आड़ू का पेड़ था आई थिंक, तो उसके चारों तरफ ना यहाँ पे क्या बोलते उसको एग्जैक्टली, हमारे यहाँ तो नहीं होते, मेरे ससुराल में लंपी बोलते, पता नहीं कौन सी मतलब सब्जी है वो है ये। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको क्या कहते हैं। ये देखिए
अभी ये छोटे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं लगे हुए, तो इसकी जो बेले हैं ना वो सारे पूरे पेड़ को ढक दिया है यहाँ पे। ये देखिए इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। दादी बोलते हैं इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, तो ये दादी ने लगाए हुए हैं। पूरा पेड़ ढका हुआ है, देखिए छोटे छोटे हैं अभी तो, पूरे तरीके से ढका। यहाँ पे ना इसी के साथ दादी ने ना वरे को खीरे का भी लगाया हुआ है। ये देखिए इसमें लगा हुआ भी है एक खीरा, जो आप लोगों की अपने खुद की ऑर्गेनिक चीज़ें होती है ना, सब्जियाँ होगी, फ्रूट हो गए, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। यहाँ देखिए हाँ ठीक है जाओ। अच्छा ठीक है जा रहे। भाई, नहीं नहीं तेरा मुंह ही लूंगी। बाय यान, बाय करो भाई जी। यश बोलो, ठीक है बोलो, ठीक है बाय, मिलते हैं अब सर्दियों में। ठीक हो? ओ से तो ना मेरे बंटिया बोल, बंटिया तो साथी साथी ना होंगे, तो अब जो खड़े जो फ्रीज ये हुई ले। ठीक हो, ध्यान रखिए अपना, है ना, छोड़ो मत, रोना मत, थोड़ी एक्टिंग तो करो। मत रो, मत जाओ। ठीक हो? ठीक हो तो दे तो दो तापा। बाय बाय बाय, मत मत, और रो थोड़ी जैसी, क्या और रो थोड़ी जैसी, बाय 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 करो जो। आप बोली मैं शादी में आऊंगा। हाँ मैं देखा है, कांटे लगे। तो हम लोग चल पड़े हैं यहाँ से अपने घर की तरफ। तो गाइज प्लीज़ आप लोग मेरे मेरे व्लॉग्स को, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।